डीएनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्रक ने होंडई कार को जोरदार टक्कर मारकर हुए फरार। जानकारी मिल रही है संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा रिंग रोड पर लाइन्स स्कूल के पास में एक ट्रक ने एक होंडई कार को जोरदार टक्कर मारा। टक्कर मारते ही वो होंडई कार कई फीट तक उछल कर जाकर रिंग रोड के डिवाइडर से टकराई। बताया जा रहा है कि वहां पर कोई जान हानि तो नहीं हुई। उस गाड़ी में सिर्फ एक ही लोग थे जो कि चला रहे थे होंडई में, और वो सुरक्षित उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन गाड़ी को जो है वो गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है, और गाड़ी में सवार व्यक्ति बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि जिन गाड़ी ट्रकों ने इतनी जोरदार टक्कर मारी, टक्कर मारते ही ड्राइवर ने गाड़ी लेके मौके से फरार हो गए। अगर अभी तक आपने डीएनएच न्यूज लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि दादरा नगर हवेली दमन दीव एवं आसपास के सभी खबरों से हमने आपको सबसे पहले रूबरू करवा सकूँ। धन्यवाद। गाड़ी है ना, हाँ। ये गाड़ी इधर से आ रही थी, इसने ऐसा ब्लिंकर चलाया घूमने के लिए, उसने में इधर से डंपर जो है बहुत फास्ट है, कम से कम 80 के ऊपर इसकी रफ्तार हो गई। वो मारा इसको कि हवा की तरह फुटबॉल की तरह उड़ के जाके उसमें लग गया। उसकी नसीब अच्छी थी, बच गया ड्राइवर, हाँ। जो ड्राइवर था बच गया, गाड़ी वाला बच गया है, और गाड़ी का तो आप देख ही रहे हैं कंडीशन क्या है। इसमें कितने लोग मौजूद थे गाड़ी में? एक ही आदमी था इसमें।